सो हे गाइस, आई एम योर अपसेक्सर फ्रॉम सुपर नॉलेज पॉइंट. सो गाइस, टुडे वी विल स्टार्ट. आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, और इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रोपोगेशन ऑफ साउंड. जैसा कि आपको पता होगा, फिजिक्स चैप्टर नंबर 8 और 9 था SSC की बुक में. तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए. सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि साउंड का प्रोडक्शन कैसे होता है. व्हेन यू हिस्ट्री का टर्निंग, आपको एक एक्सपेरिमेंट करना चाहिए. आप एक टर्निंग फॉर्क को वाइब्रेट करने करें. व्हेन दिस टर्निंग फॉर्क इज ब्रॉट नियर द ईयर, आप जो है एक टर्निंग फॉर्क होता है उसे आप वाइब्रेट कराएं, और उसके बाद आप उसके पास में अपना कान लेके जाएंगे, तो आपको क्या होगा, आपको हल्की हल्की आवाज़ सुनाई देगी, क्योंकि वाइब्रेट करने में हल्की हल्की आवाज़ सुनाई देती है. व्हेन दिस फॉर्म इज ब्रॉट नियर अ हैंगिंग बॉल, अगर आप उसी फ्रॉक को एक हैंगिंग मतलब एक बॉल टंगी हुई है उस पर आप जाके उसके अगर पास में ले जाएंगे तो क्या होगा, बॉल क्या होगी, स्टार्ट ऑक्सीलेशन करना शुरू कर. देखिए, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये क्या हम लोग का, यहाँ से हम लोग की बॉल बंधी हुई है. ओके गाइस, अब ये थ्रेड है, थ्रेड से यहाँ पे बॉल बंधी हुई, और ये जो आपका टर्निंग फॉर्क है ये क्या होगा, ये वाइब्रेट कर रहा है. अगर आप इस बॉल के सामने ले जाएंगे तो क्या होगा, बॉल यहाँ से अपनी पोजिशन चेंज करेगा. क्या होगा, बॉल वहाँ से अपनी पोजिशन चेंज करेगा. अब देखिए, ये टर्निंग फॉर्क है आपका. अगर आपको ना पता तो आप इस फिगर में देख पा रहे हो, ये है आपका टर्निंग फॉर्क, कौन सा ये है. ओके गाइस, अंदाजा वाइब्रेटिंग सोर्स इज नेसेसरी. अगर एक वाइब्रेटिंग मतलब अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर एक वाइब्रेटिंग साउंड का प्रोडक्शन करना है तो आपके पास एक वाइब्रेटिंग सोर्स जरूर होना चाहिए. ओके गाइस, अब देखिए, साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल, साउंड को एक मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए. तो आपको भी पता होगा, ये बेसिक चीज़ है कि साउंड को एक मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए. साउंड इज मैकेनिकल एंड इट्स मटेरियल टू प्रोपोगेट, मटेरियल मीडियम टू प्रोपोगेट. मतलब कि गाइस, इसका मतलब साउंड जब मैकेनिकल, साउंड कौन सी वे है, मैकेनिकल एंड नीड अ मटेरियल मीडियम टू प्रोपोगेट. उसको उसको अगर उसको कोई मटेरियल चाहिए प्रोपोगेट करने के लिए. इट कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, ये वैक्यूम में नहीं ट्रैवल कर पाएगी. अगर आपको वैक्यूम का मतलब ना पता हो तो मैं बता देना हूँ, वैक्यूम का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पे ओनली लाइट हो, मतलब कि कुछ भी ना हो, वहाँ पे ना एयर हो, ना कुछ हो, ना कुछ, वहाँ पे साउंड ट्रैवल नहीं करेगी, क्योंकि आपको पता है साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है. तो देखिए, द मीडियम फॉर विच साउंड ट्रैवल मस्ट हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, अब उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं ट्रैवल करने की. इट शुड बी इलास्टिक देयर सो दैट द पार्टिकल रिटेन ऑन द इनिशियल पोजिशन, जो आपका मीडियम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो इलास्टिक होना चाहिए. कैसा होना चाहिए आपका मीडियम, इलास्टिक होना चाहिए, जिससे पार्टिकल वापस बैक एंड फोर्थ मोशन कर सके. अगर आपका पार्टिकल इलास्टिक है तो ऐसे से कर पाएगा, नहीं तो ऐसे चला जाएगा, इलास्टिक ही नहीं तो वापस ही नहीं आ पाएगा, इसलिए उसका बैक एंड फोर्थ करना जरूरी है, तभी तो वाइब्रेट करेगा. इट शुड हैव इनर्शिया, उसके पास इनर्शिया होनी चाहिए ताकि वो एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी रख पाए अपने पास, और वो फ्रिक्शन लेस होना चाहिए. देर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, उसके वो क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन लेस होना चाहिए. अब हम लोग यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करेंगे. एक हम लोग को जार लेना है, उस यहाँ पे क्या करना है, वैक्यूम पंप लगाना है, और यहाँ पे आपको एक इलेक्ट्रिक बल्ब लगाना है उसके, और जो होगा इसे हम लोग बेल जार कहेंगे. एक बेल जार हम लोग लेंगे, क्या लेंगे, मैं आपको उसके ऊपर चढ़ा हुआ था, ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का है एक बेल जार. ओके गाइस, यहाँ पे जो है हम लोग का क्या है, इलेक्ट्रिक बॉल, और ये क्या है हम लोग का, यहाँ पे बेल जार होगा उसी के बगल में. अब देखिए, अगर हम लोग इसका स्विच ऑन करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, द हैमर स्ट्राइक, जो हैमर है आपको वो क्या होगा, स्ट्राइक करना शुरू हो गया, तो जो गोंग ऑफ द बॉल साउंड इज हर्ड व्हेन द स्विच इज प्रेस, अगर आप स्विच को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, आपको आवाज़ सुनना शुरू हो जाएगा. दैट इज व्हेन अ सर्किट इज कम्प्लीट, उससे क्या होगा, आपका सर्किट कम्प्लीट हो जाएगा. इफ एयर इज प्रेजेंट इनसाइड दिस व्हेन दे आर एबल टू हियर साउंड, अगर उसके अंदर एयर है तो हम लोग साउंड को सुन पाएंगे, और जब हमने नीचे वैक्यूम पंप है उससे अगर हम लोग पूरी एयर निकाल देते हैं, हम लोग साउंड इज नॉट ऑडिबल, हम लोग साउंड को नहीं सुन पाएंगे. द हैमर इज सीन स्ट्राइक, आप देखेंगे कि वो हैमर जो है वो स्ट्राइक, वो वाइब्रेट तो मतलब घूम तो रहा है, स्ट्राइकिंग तो कर रहा है, लेकिन आवाज़ आपको नहीं सुनाई दे रही, क्योंकि उसके अंदर कोई मीडियम ही नहीं है. तो आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा. अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है प्रोपोगेशन ऑफ साउंड इन मीडियम. द मैटर और सब्सटेंस थ्रू विच अ साउंड इज ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड मीडियम, जो मैटर और सब्सटेंस साउंड ट्रांसमिट मतलब एक से दूसरे में ज़्यादा, देखिए साउंड को ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए, मीडियम. जैसे आप ये एक रूम है, यहाँ पे मीडियम होगा, ये मीडियम ये क्या है, बहुत सारे जो छोटे छोटे मैं बना रहा हूँ रेड कलर के, क्या है मीडियम, तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा,
ऐसे 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 जाके पूरे रूम में वाइब्रेट करेंगे। उसके बाद जाके उसके मीडियम ही तो होता है वाइब्रेट करने का, वो मीडियम हो गया तो क्या होगा आपका वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट द पार्टिकल सराउंडिंग मीडियम द वाइब्रेट दिस पार्टिकल सेंड द वाइब्रेशन पार्टिकल कॉन्टिन्यू टू ट्रांसमिट यूनिट टू रीचेस और उसी की मदद से हम लोग की आवाज़ कान में आवाज़ सुनाई देती है। द वेव इन विच द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अबाउट द मेन पोजिशन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ साउंड। अब ट्रांसवर्स वेव मतलब ट्रांसवर्स वेव मैं आपको बना के बता दूँ। ये देखिए ये है, मैं फिगर अच्छा नहीं बन पा रहा है सॉरी गाइस। देखिए ये होगा, ये आपका एम्पलीट्यूड होगा, ये अब हम लोग का देखिए इसमें आप देख पा रहे होंगे वो जो इसमें जैसे आप मैंने अभी फिगर बनाया था मैंने इरेज कर दिया जो ऐसे ऐसे बनाया था। इसमें जो नीचे की तरफ जा रहा है उसे हम लोग ट्रोफ कहते हैं, क्या कहते हैं यहाँ पे आप देख लीजिए ट्रोफ, ये जो मैं ट्रोफ है और जो ऊपर की तरफ है इसे हम लोग क्या कहेंगे क्रस्ट, क्रस्ट एंड ट्रोफ क्या कहेंगे हम लोग। देखिए मैं आपको दिखा दे रही हूँ, ये लिखा है ट्रोफ और ये लिखा है क्रस्ट। ओके गाइस तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव ऑफ मोशन पढ़ेंगे। बाय गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब।